दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चौथे सेक्शन दिल्ली फरीदाबाद की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो अंत तक देखना, बड़ा दिलचस्प है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ जगह बन चुका है और कुछ जगह काम चल रहा है। इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है और ये 1,00,000 करोड़ का शानदार प्रोजेक्ट है। दोस्तों वीडियो में जो रोड आप देख रहे हैं वह फरीदाबाद बाईपास रोड है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 4 सेक्शन में डिवाइड है और ये फरीदाबाद बाईपास इसके चौथे सेक्शन के रूप में डेवलप हो रहा है। इसके चौथे सेक्शन का नाम है DND फरीदाबाद KMP और DND कालिंदी कुंज से KMP तक इसकी कुल लंबाई होगी 59 किलोमीटर। पहला है DND टू जेतपुर, यह है 6 लेन का फ्लाईओवर होगा, इसकी कुल लंबाई होगी 8 किलोमीटर। दूसरा है जेतपुर टू बल्लभगढ़, 26 किलोमीटर लंबा, यह भाग बल्लभगढ़ में सेक्टर 62-65 के डिवाइडर तक होगा। यह 6 लेन का रोड होगा और इसके दोनों तरफ 3-3 लेन के सर्विस रोड होंगे। तीसरा भाग है बल्लभगढ़ से सोहना तक, कुल लंबाई 26 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे का यह सेक्शन दिल्ली के DND कालिंदी कुंज से शुरू होगा और हरियाणा के नूह जिले के अलीपुर गाँव में KMP तक जाएगा। यहीं पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज होगा। KMP से आगे का मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन चौड़ा रोड होगा और फ्यूचर में इसके 12 लेन तक होने की संभावना है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के चालू होते ही छोटे बड़े कई शहर आपस में जुड़ जाएंगे और दूरियां कम हो जाएगी। कई घंटों की दूरियां कुछ घंटों में बदल जाएगी, जैसे दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना अलवर दौसा सवाईमाधोपुर कोटा मंदसौर रतलाम गोधरा वडोदरा भरूच सूरत वलसाड विरार और मुंबई आदि शहर आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की डेट है मार्च 2023। जिस तरह से कार्य चल रहा है उम्मीद है मार्च 23 तक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ने लगेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया तो लाइक ठोंक देना और नहीं आए तो डिसलाइक।